राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अक्सर किसानों के हक में आवाज उठाते नजर आते हैं। फिर चाहे उन्हें अपनी गठबंधित पार्टी से ही क्यों ना भिड़ना पड़े, बेनीवाल कभी किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो कभी युवाओं के लिए खड़े होते हैं। लेकिन इस बार बेनीवाल प्रदेश के ठेला चालकों की हिमायत बनकर खड़े हुए हैं। दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नियमों को और भी सख्त किया गया है, जिसमें ठेला चालकों के लिए विक्रय करने की समय सीमा तय की गई है। इसी समय सीमा को बढ़ाने के लिए सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत को टैग करते हुए ट्वीट किए हैं। बेनीवाल ने लिखा है कि कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए अपनी फसल विक्रय करने की समय सीमा सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखी जाए। साथ ही बेनीवाल ने कृषि उपकरणों, बीज भंडार की दुकानों व कृषि यंत्रों को रिपेयरिंग करने वाले गैराजों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं दूध, फल व सब्जी विक्रय करने वाले किसानों, पशुपालकों व ठेला चालकों के लिए सुबह के साथ शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक समय देने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बेनीवाल की इस मांग पर राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है।